अलैकुम। आज जो हमारा टॉपिक डिस्कशन है वो बेसिकली बहुत ही यूनिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसकी हमें बहुत सी दफ़ा रिक्वेस्ट आई है हमारे कमेंट सेक्शन में। हमें आज कहा गया था कि रेगनम मेन के ऊपर बात की जाए। रेगनम मेन बेसिकली मेल मल्टीविटामिंस हैं और मेल डाइटरी सप्लीमेंट्स हैं। उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, किस तरह इस्तेमाल करनी है, उसकी प्राइस क्या है और उसको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे इस्तेमाल करने के बाद, ये आज कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे हम। ये बेसिकली रेगनम मैन इसको फॉर्म करता है ICI, इसका मैन्युफैक्चरर है ICI। ICI एक बहुत ही अच्छी ट्रस्टवर्दी कंपनी है जो मल्टीनेशनल ब्रांड है। रेगनम मैन बेसिकली वो बनाते हैं मल्टी वाइटमस मेल हेल्थ के लिए, वाइटिलिटी के लिए सपोर्ट करता है, आपको एनर्जी के लिए आपको असिस्ट करता है बहुत से ही डिफरेंट फंक्शंस टास्क अपनी डेली एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए, ताकि आप अपनी डेली एक्टिविटीज़ में हेल्दी रहें और एक्टिव रहें। अब रेगनम मैन की आपको प्राइस कैट करते चले, रेगनम मैन की प्राइस है 743 रुपीज़, मतलब आपको 743 रुपये की रेगनम मैन इजीली अवेलेबल हो जाएगी किसी भी अच्छी फार्मेसी से या मेडिकल स्टोर से। तो रेगनम मैन को इस्तेमाल करने से क्या फ़ायदे होंगे, इसलिए उसके चलते हैं। पहले इसके इंग्रेडिएंट्स के ऊपर, इसके कॉन्स्टेंट्स हम डिस्कस करते हैं। इसके जो सप्लीमेंट फैक्ट्स में मैंशन किया गया है, ये बैक पेन और सप्लीमेंट फैक्ट्स दिया हुआ है, इधर से देख के आज हम आपको बताएंगे सप्लीमेंट फैक्ट्स के क्या क्या फ़ायदे हैं और किस तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। सप्लीमेंट फैक्ट्स में मेंशन किया है, सबसे पहले विटामिन ए, इसमें विटामिन ए दिया गया है 2700 इंटरनेशनल यूनिट्स। विटामिन ए 2700 इंटरनेशनल यूनिट्स देने का यहाँ पे फ़ायदा ये है कि विटामिन ए आपके अंदर बेसिकली बॉडी के अंदर डिफरेंशिएशन कर रहा होता है, आपकी आइज़ को भी विजन को भी इम्प्रूव करता है, आपकी सेल डिफरेंशिएशन में रोल प्ले करता है, साथ ही साथ आपकी बोन बिल्डिंग के अंदर भी हेल्प आउट करता है और आपको बहुत ही डिफरेंट जो इशूज़ हैं स्किन के इशूज़ हैं उससे भी ज़्यादा इस्तेमाल, जिसमें कॉमनली एक्नी है। उसके बाद इसमें डाला गया विटामिन सी 81 मिलीग्राम में, विटामिन सी डाला गया 81 मिलीग्राम में, जो एक अच्छी अमाउंट डाला गया है। विटामिन सी 81 मिलीग्राम में फ़ायदा आपको बेनिफिशियल इसलिए हासिल है कि आपकी स्किन के अंदर जितने भी ज़्यादा फ्री रेडिकल प्रोड्यूस हो गए उनको कैटर करता है और एंटीऑक्सीडेंट आपको एक्टिविटी प्रोवाइड करता है। तो आपको डेली आपको एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी से फ़ायदा यहाँ पर ये होगा कि आपके अंदर बेसिकली जितने भी फ्री रेडिकल आपकी एजिंग का मैकेनिज्म है उसको कम कर देगा। तो विटामिन सी ने जो एंटीऑक्सीडेंट नेचर प्रोवाइड करनी है उससे आपकी स्किन भी हेल्दी रहेगी, आप एक्टिव भी रहेंगे और आपको एक्टिविटी परफॉर्म करने में, डेली एक्टिविटी परफॉर्म करने में कोई टाइर्डनेस या फटीक फील नहीं होगी। उसके बाद विटामिन डी है, विटामिन डी 4 इंटरनेशनल यूनिट्स में डाला गया। विटामिन डी के जितने भी फायदे हम गिनवाएं वो बहुत कम है, विटामिन डी पे डिटेल्ड वीडियो है, अगर आप हमारी वो डिटेल वीडियो देख लेंगे तो विटामिन डी के जितने भी फायदे हैं आपको उस वीडियो में कम्प्लीटली समझ आ जाएगी। विटामिन डी के जो मोटे मोटे जो फायदे वो पता चलेंगे, बोन की मिनरलाइजेशन में हेल्प आउट करता है, जिसमें कैल्शियम मैग्नीशियम और फॉस्फोरस का अब्सॉर्प्शन करवाता है। उसके साथ साथ बोन की मिनरलाइजेशन के अलावा विटामिन डी थ्री आपको कैंसर प्रिवेंशन से हेल्प आउट करता है, आपके डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा है। उसके अलावा विटामिन डी थ्री आपका फैट एकोमोडेशन से बचाता है। उसके अलावा विटामिन डी थ्री आपके बोन के अंदर जितने भी मिनरलाइजेशन है उसके अंदर अपना पार्ट प्ले करता है, बोन को हेल्दी बनाता है और साथ ही साथ आपके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है वेनिन के मैकेनिज्म के थ्रू। तो ये डिटेल सारी डिस्कशन हम आपको विटामिन डी की वीडियो में बताई थी, तो आप वहाँ से डिस्कस कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसके बाद आता है जी विटामिन ई, विटामिन ई डाला गया है यहाँ पर 15 मिलीग्राम, विटामिन ई 15 मिलीग्राम डाला गया है, जो अमाउंट थोड़ी सी कम है लेकिन विटामिन ई डालने का फ़ायदा यहाँ पे ये है कि आपकी ब्लड वेसल्स की क्लिनजिंग भी कर रहा होता है और साथ ही साथ बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट नेचर है। अब एंटीऑक्सीडेंट नेचर का फ़ायदा आपको ये होगा कि आपकी बॉडी के अंदर जो एंटी एजिंग मैकेनिज्म है उसके अंदर आपका रोल प्ले करेगा और साथ ही साथ आपके अंदर एक्टिविटीज़ को एनहांस करेगा, आपकी डेली फंक्शनिंग को इंक्रीज कर देगा बाय 2 फोल्ड्स। तो विटामिन ई भी यहाँ पर डाला गया है। उसके बाद आते हैं ये बी फैमिली के विटामिन, बी फैमिली के अंदर सबसे पहले थायमिन B1 डाला गया 1.08 mg, जो कि अमाउंट एक बहुत मिनिमल है लेकिन विटामिन B1 बहुत एसेंशियल विटामिन है बी फैमिली का। उसकी वजह यह है कि विटामिन B1 जो है वो आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, ये कार्डिक मसल्स के लिए बहुत अच्छा है और साथ ही साथ आपकी फूड के मेटाबॉलिज्म में भी इन्वॉल्व होता है। उसके बाद विटामिन B2 है राइबोफ्लेविन, उसकी पॉइंट यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स की अमाउंट है कि 1.17 mg डाला गया राइबोफ्लेविन B2। इसका बेसिकली फंक्शन ये होता है कि आपके नर्वस सिस्टम को भी एक्टिवेट रखता है, नर्वस सिस्टम की फंक्शनिंग को प्रमोट करता है, उनको अच्छा बनाता है और साथ ही साथ आपकी जो फूड है डाइट्री उसके अंदर जितना भी कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स और जितने भी प्रोटीन आप इनटेक कर रहे हैं उससे उनको डाइजेस्ट करके आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। उसके बाद है नाइसिन विटामिन B3, जिसको हम कॉमनली निकोटिनामाइड भी कहते हैं, नाइसिन भी कहते हैं। इसके अंदर इसकी अमाउंट डाली गई है 14.40 मिलीग्राम। अब नाइसिन की जो अमाउंट डाली गई है वो भी एक अच्छी अमाउंट है, नाइसिन यहाँ पर B3 डाला गया, उसका फ़ायदा आपको ये है कि आपके नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट रखेगा, नर्वस सिस्टम की फंक्शनिंग को प्रमोट करेगा और उसी तरह तो आपके कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स और प्रोटीन्स को डिजॉल्व करके आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा बॉडी को और आपकी स्किन की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। विटामिन B6 पाइरोक्सिन जो है जिसको हम कहते हैं
वो यहाँ पे डाला गया है 1.17 mg के अंदर। वाइटामिन B6 बहुत एसेंशियल वाइटामिन है क्योंकि आपके हॉर्मोन्स की जो एक्टिविटी है मेल्स के अंदर, जो हॉर्मोनल एक्टिविटी है उसको बैलेंस करने के लिए बहुत एसेंशियल होता है। उसके बाद फॉलिक एसिड डाला गया है 360 माइक्रोग्राम। फॉलिक एसिड वाइटामिन B9 को हम बोलते हैं। वाइटामिन B9 आपको पता है बहुत एसेंशियल है आपके जितने भी होमोसिस्टीन इशूज़ हैं, बेसिकली आपके HB का लेवल नीचे ना आए, रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन होती है, जिन लोगों में HB कमी है उसके लिए बहुत एसेंशियल है फॉलिक एसिड। उसके बाद आ जाती है वाइटामिन B12। वाइटामिन B12 2.16 माइक्रोग्राम डाला गया। वाइटामिन B12 का भी यही फंक्शन है, यही मैकेनिज्म है, इसने भी आपके अंदर जो रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन होती है उसको एनहांस करना है, ताकि आपके जो होमोसिस्टीन फंक्शंस हैं बेसिकली आपके जो HB के लेवल है वो नीचे ना आए और आपके यहाँ टाइर्डनेस और जो फटीक है वो कम हो जाए डेली एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के बाद। उसके बाद आता है जी वाइटामिन B7। बायोटिन डाला गया 27 mg। वाइटामिन B7 जो बायोटिन है बहुत ही एसेंशियल वाइटामिन है। उसकी वजह ये है कि आपके स्किन, हेयर और नेल्स हैं बहुत एसेंशियल रोल प्ले कर रहा होता है। स्किन की जो आपके जितने भी इश्यूज आते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा मसला आपको आता है कि स्किन पे झुर्रियाँ पड़ रही हैं या स्किन बहुत ज़्यादा इश्यूज क्रिएट हो गए हैं जिसमें एक्ने भी आता है, उन सबके लिए ये अपना एक अच्छा रोल प्ले करेगा। साथ साथ आपके हेयर्स के लिए जो बाल्डनेस का इशू आता है मेल में उसको भी ट्रीट करेगा, और नेल्स के जो ब्रिटल होने का इशू आता है वो भी ट्रीट कर देगा। उसके अलावा जो इसका हिमेटोपोएटिक फंक्शन है ये आपकी बोन मैरो के प्रोडक्शन में अपना रोल प्ले करता है और साथ ही साथ आपके एरिथ्रोपोइटिन को इंक्रीज करता है। उसके बाद आता है जी पेंटोथेनिक एसिड। पेंटोथेनिक एसिड वाइटमिन B5 को बोलते हैं। ये 4.5 mg यहाँ पर डाला गया है। 4.5 mg में एक अच्छी अमाउंट डाला गया है वाइटमिन B5। उसका भी फंक्शन यही है कि आपके जो म्यूकस मेम्ब्रेन होते हैं आपकी स्किन है उसकी हेल्थी एक्टिविटी को प्रमोट करता है और उसकी फंक्शनिंग के साथ साथ नर्वस सिस्टम की फंक्शन को इम्प्रूव करता है और साथ साथ आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करेगा, जैसे बाकी भी फैमिली के वाइटामस हैं कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स और प्रोटीन को डिजोल्व करके। उसके बाद जिंक है। जिंक 11 mg में डाला गया है। जिंक बेसिकली मेल्स के लिए बहुत असेंशियल है क्योंकि टेस्टोस्टेरोन को इम्प्रूव करता है। टेस्टोस्टेरोन जो आपका मेल हार्मोन है उसके जो लेवल है उसको बूस्ट करता है, साथ ही साथ ये आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन के लेवल को भी बूस्ट करता है। उसके अलावा जिंक का जो फंक्शन है उसने ये करना होता है कि आपका जो इजैकुलेट वॉल्यूम है उसके सबसे ज़्यादा जो चीज़ निकल भी होती है इजैकुलेशन के दौरान उसमें सबसे ज़्यादा होता है जिंक। अगर हम जिंक को कंपेयर करें जो हमारे इजैकुलेट में वन टाइम हम स्क्रीट कर रहे हैं जिंक, वो 100 टाइम्स ज़्यादा है, 100 गुना ज़्यादा है जो आपके ब्लड में लेवल मौजूद हैं। तो जिंक बहुत असेंशियल है जो यहाँ पर डाला गया है। उसके बाद हर्बल इंग्रेडिएंट्स आते हैं, लेकिन उससे पहले सेलिनियम आता है जो मिनरल है 55 माइक्रोग्राम। सेलिनियम का भी यही रोल है, सेलिनियम भी आपके डिस्चार्ज में निकल रहा होता है आपको, जब इजैकुलेट वॉल्यूम में सेलिनियम बहुत ज़्यादा खत्म हो जाएगा तो डिप्रेशन होना शुरू हो जाएगी, तो इसलिए सेलिनियम लेना बहुत असेंशियल है। उसके बाद डाला गया जी ट्रिबुलस ट्रेस्टियस। ट्रिबुलस ट्रेस्टियस 100 mg में डाला गया है। 100 mg में ट्रिबुलस ट्रेस्टियस लेने का फायदा आपको ये है कि ये बेसिकली एक नेचुरल हर्ब है जो आपको कॉमनली गोनाडिल ऐप से मिल भी होती है। लोगों को गोनाडिल ऐप का नाम बहुत कॉमनली यूज होता है जिसमें ट्रिबुलस ट्रेस्टियस डाला हुआ है। तो ट्रिबुलस ट्रेस्टियस का फायदा ये है कि जब आप इन सब वाइटामिन के साथ ट्रिबुलस ट्रेस्टियस को लेंगे तो ये आपके सेक्शुअल लिबिडो को भी इंक्रीज करेगा, आपके साथ साथ जितने भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन के इशूज उनको भी बेहतर बनाएगा, और साथ ही साथ इसमें फायदा आपको ये देना है कि आपके टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बूस्ट कर देगा। तो ये बेसिकली मेल फर्टिलिटी के लिए बहुत अच्छा होता है, ये फीमेल्स में भी यूज़ होता है लेकिन यहाँ पे हम मेल फर्टिलिटी की बात कर रहे हैं। पेनिस जिनसिंग है 25 mg में डाला गया है। जिनसिंग का काम ये होता है कि आपके अलर्टनेस को इम्प्रूव करता है, जो आपकी अलर्टनेस है वो इम्प्रूव हो जाएगी, आपके कॉग्निटिव फंक्शंस इम्प्रूव हो जाएंगे, साथ ही साथ आपकी ब्रेन हेल्थ को अच्छा करेगा, ये आपकी सेक्सुअल हेल्थ को भी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से बढ़ाता है, ये आपके टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करता है, इसलिए यहाँ पर जिनसिंग एसेंशियल है। उसके बाद जिंको बायलोबा डाला गया। जिंको बायलोबा 30 mg में डाला गया, ये भी एक हर्ब है। जिंको बायलोबा का भी फायदा ये होता है कि आपके डेमेंशिया को ट्रीट करता है, जो आपकी याददाश्त भूल जाते हैं उन चीज़ों को भी डील करता है, साथ ही साथ आपके अंदर अलर्टनेस भी प्रमोट करता है, और उसके अलावा कॉग्निटिव फंक्शन। कॉग्निटिव फंक्शंस में कौन कौन से फंक्शन आते हैं, जिसमें हमारा थॉट प्रोसेस है, कोई पिक्चराइजेशन है, कोई भी हम सिम्फनी क्रिएट कर रहे हैं, वो सब फंक्शंस जो हम सोचने की सलाहियत से काबिलियत रखते हैं उन सब के लिए जिंको बायलोबा असेंशियल होता है। और इसी तरह ये आपकी जितने भी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के फंक्शन हैं उसको भी इन्हांस करता है, आपके टेस्टोस्टेरोन को भी बूस्ट करता है। तो ये एक असेंशियल हर्ब है जो यहाँ पर डाली गई है। उसके बाद डाला गया जी एल आर्जिनिन 500 mg के। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज एल आर्जिनिन। एल आर्जिनिन का फ़ायदा ये है कि ये आपके ब्लड के जो प्रेशर है उसको रेगुलेट करता है, और साथ ही साथ ये आपके जो ब्लड का लेवल है उसका फ्लो को इन्हांस करता है। वो कैसे करता है उसकी हमने कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है एल आर्जिनिन पे, अगर आप वो चाहें तो देख सकते हैं। एलार्जिनिन का फायदा ये होता है कि जब आपकी बॉडी के अंदर एलार्जिनिन जाएगा तो इसने नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करना है। नाइट्रिक ऑक्साइड से ये फायदा होगा कि आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेट हो जाएंगी। जब ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाएंगी तो आपका जो ब्लड का फ्लो है बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा पूरी बॉडी में। तो इसी तरह पीनिस में ब्लड का फ्लो जब अच्छा होगा तो इरेक्शन बहुत ही स्ट्रांग होगी और हार्डनेस प्रमोट होगी, जिससे आपका इरेक्टाइल डिसफंक्शन
ट्रीट हो जाएगा। तो 500 mg में डाला गया जो एल आर्जिनिन है वो बहुत ही अच्छे अमाउंट डाला गया यहाँ पे, जिसके बहुत अच्छे फायदे हैं। तो वैगनम मैन को आप डेली 1 या 2 टेबलेट्स ले सकते हैं, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में, तो इसके आपको बहुत अच्छे फायदे मिलेंगे। तो आपके कोई भी क्वेश्चन हों तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू।